बात टोंक की करते हैं, जहां पर एक साथ 6 कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इनमें से 3 कर्मचारी सदातत हॉस्पिटल, 2 कर्मचारी सर्किट हाउस और 1 कर्मचारी तहसील विभाग का है। वहीं गौर करने वाली बात तो ये भी है कि सभी कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार कनेक्ट रहे हैं। वहीं सर्किट हाउस के 2 कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से अब समस्या और विकराल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट 2 बार यहां प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। इसी के साथ यहां आला अधिकारियों का आना जाना लगातार रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है। आपको बता दें कि टोंक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 104 पर पहुंच चुका है। में 6 नए कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के पुष्टि होने के बाद प्रशासन में एक हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि ये 6 नए कोरोना पॉजिटिव अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें से 3 सादत हॉस्पिटल, 2 सर्किट हाउस, 1 तहसील विभाग का ये कर्मचारी बताया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा उठता है, क्योंकि इस सर्किट हाउस में प्रशासनिक अमला का आना जाना लगातार लगा रहता है। खुद आईजी, डीआईजी, खुद डिप्टी सीएम 2 बार यहाँ आ चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुके हैं और यहाँ बैठक भी ले चुके हैं। इसके बाद अब ये सवाल ये खड़ा उठता है कि ये लोग कब से संक्रमित थे और ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि अब तक देखा गया है कि बमोर गेट क्षेत्रीय संक्रमित इलाका माना जा रहा था। अब ये नई समस्या उत्पन्न हो गई, ये 6 नई कर्मचारियों में एक साथ पुष्टि होने के बाद अब प्रशासन इस स्थिति पर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है और पूरी तरीके से इसमें जांच में जुटा हुआ है। अब 6 कर्मचारियों के बाद टोंक में आंकड़ा 104 पॉजिटिव का पहुंच गया है। अब तक 1839 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 609 के लगभग नेगेटिव मिले हैं और 104 पॉजिटिव के मामले अब सामने आ चुके हैं। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 TV। हमारे संवाददाता फिरोज इस वक्त जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। फिरोज, अगर देखें तो वहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं टोंक में, और कितने हॉटस्पॉट वहां पर एरिया हैं, वहां पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी तक तो केवल बमोर गेट क्षेत्रीय हॉटस्पॉट बना हुआ था, जहां से लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते जा रहे थे। लगभग 76 कोरोना पॉजिटिव के वहां से मामले सामने आ चुके थे, मगर आज 6 कर्मचारियों के एक साथ पॉजिटिव आने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जो 6 कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, 3 तो सादत हॉस्पिटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, 2 सर्किट हाउस के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, 1 तहसील का ये कर्मचारी बताया जा रहा है, और लगातार ये कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में भी रहे हैं और लगातार कम से कम 2 बार यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट सर्किट हाउस में आ चुके हैं और प्रशासन के साथ यहाँ मुलाकात कर चुके हैं और डीआईजी, आईजी से लेकर प्रशासन। बिल्कुल फिरोज, आपने जिस तरीके से बताया कि जो 5 कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनके संपर्क में आए जो भी कर्मचारी हैं, क्या उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, अब उनके जो संपर्क में आए हैं लोगों, अब उनको डिटेन किया जा रहा है, अब उनकी जांच की जाएगी और उनको लगातार उनको जिला प्रशासन की अब कोशिश यही रहेगी कि ये किन किन लोगों के संपर्क में आए और कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए और उन लोगों की अब जांच की जाएगी। ये काफी मुश्किल का समय आ गया है प्रशासन के पास, क्योंकि अब समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि इससे पहले केवल बमोर गेट क्षेत्र में ही ये समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब लगातार ये दूसरी चेन बन चुकी है। अब ये इससे निपटना होगा प्रशासन को। बिल्कुल, इस चेन को से निपटना जरूरी होगा इस प्रशासन को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया फिरोज आपका।